छतरपुर में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संभागीय प्रवक्ता और जिला मीडिया प्रभारी दीप्ति पांडे ने कहा है कि मध्य प्रदेश शिवराज सरकार विकास यात्रा निकाल रही है और जनता के द्वारा उनके नेताओं को गांव से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। किसान बिजली के लिए परेशान तो वहीं नौजवान रोजगार के लिए और कर्मचारी विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान है और भाजपा सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए विकास यात्रा निकाल रही है और इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के पदाधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे। और ये फर्जी विकास यात्रा जिसको हम निकास यात्रा का नाम दे रहे हैं, महिला विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, सरकार का आईना को आईना दिखाना था। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान यहाँ खजुराहो आते हैं और वो बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, महिला कलाकारों को जहाँ प्रोत्साहित करते हैं वहीं उस महिला कलाकार की बात अनसुनी करके शिवराज सिंह चले जाते हैं। हमारा महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हुआ, हमारे 85वें अधिवेशन में कांग्रेस ने युवाओं को, महिलाओं को, SC ST OBC माइनॉरिटी, सभी समाज के लोगों को 50% जो आरक्षण दिया, उन गंभीर मुद्दों तक आपको पहुँचाना था। और कांग्रेस हमेशा जनहित के मुद्दे उठाती रही है, उठाती रहेगी, समय समय पर हम आप सबसे मुखातिब होते रहेंगे। धन्यवाद।